हेलो दोस्तों, करियर और बीट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड। आज है डे थ्री। आज आप देखेंगे 8 लेटर्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, और 9 वर्ड्स आपको हम सिखाएंगे। इससे आपका जो है कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और लेटर्स भी आप बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक है। एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी आपको सिखाया जा रहा है एकदम अच्छे से जो है प्रैक्टिस करते रहिए। तो एस यहाँ पे जो है एस लिख, लेकिन ये मान लीजिए चल, अब रनिंग में अगर एस लिखते हैं तो ऐसे अब लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, एस ऐसे अब लिख रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये आपको लेना है। मतलब देखिए, ये सब आपको जो है हम समझाने के लिए इजीली आप जैसे समझ आ जाए, आपको याद रहे। तो ऐसे नीचे वाला जो छोटा सा जो है लाइक एक कॉमा बोलते हैं उसकी तरफ होगा, ये हो गया एस और ओ, ठीक है। तो ये जो ओ है ओके बीच में से काट लेंगे, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वैसे जो है हम लोग लिखेंगे ओ। तो ओ जो है ऐसे ओ होगा, ठीक है। तो अब फिर आता है एफ़। एफ़ आप मान लीजिए एफ़ लिख रहे हैं, तो एफ़ आपको कैसे लिखना है, आप ऐसे जो है एफ़ लिखेंगे। तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है इसे आपको लेना है, ठीक है। तो इससे ये थोड़ा बड़ा होगा, हाँ इससे थोड़ा बड़ा होगा एफ़, ठीक है। अब है वी। वी जो है एफ़ से भी थोड़ा बड़ा होगा वी। तो देखिए वी आ रहा है ऐसे, तो इसका जो साइड वाला हिस्सा है ना, ये आपको जो है हमें जो है लेना है। तो ये ऐसे खींच देंगे लंबा, हाँ ये देखिए सबसे पहले एस छोटा है, ठीक है, एक ही टाइप का होगा, एफ़ उससे थोड़ा बड़ा है और वी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एंगल करने में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये एक सा ही होगा, ठीक है। तो ये है एन। एन अगर आप लिखते हैं तो ऐसे रनिंग में मान लीजिए ऐसा हो गया, तो इसे ही सिर्फ आपको जो है एन जो है आपको लेना है। यही हमारा शॉर्ट हैंड का जो है एन। हाँ बिल्कुल छोटा सा एकदम, हाँ ये हो गया एन। तो पिछली क्लास में आपको हम लोगों ने जो है एम सिखाया था। तो अब देखिए एल जो है रनिंग में ये लिखा जा रहा है, एल पिछली क्लास में भी हम लास्ट में दिखा दिए थे। तो एल जो है नीचे वाला ये लंबे ऐसे कर्व होगा, खींचेगा, ठीक है, ये हो गया एल। अब आते हैं के। के जो है दोस्तों इसका जो है डेफिनेशन मान लीजिए हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए ऐसे आप जो है रनिंग में जो है के लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे खींच देने के लिए, ऐसे जस्ट समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये जस्ट के जो होगा के ऐसा होगा, छोटा कर्व होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, यही है जो है आपका के। तो अभी जो है डी। डी तो डी के लिए ऐसे आप डी लिख दे रहे हैं, तो ये जो लंबा जो लाइन है ना वो आपको लेना है खाली, वो चीज़, हाँ ये चीज़ आपको लेना है ऐसे लंबा अगर खींच देना है, ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये लेटर्स 8 लेटर्स हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग वर्ड्स की तरफ। अब बात करेंगे हम लोग वर्ड्स की तरफ। तो 9 वर्ड्स हम लोग बात करेंगे, 9 वर्ड्स आपको हम सिखाएंगे। तो पहले आता है वेन, ठीक है। तो वी का जो है ना, तो देख लेते हैं, वी है ऐसे आता है, तो देखिए वी ऐसे आता है, ठीक है, वी ऐसे, ओ नहीं, एक सेकेंड, मान लीजिए आप वेन जो लिख रहे हैं आपको तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो मान लीजिए वी ए एन, इसमें आई हटा दीजिए। देखिए अगर आप खींच के बोलेंगे ऐसे वेन, वेन आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसका ही लेंगे, तो V ऐसा लंबा होगा V, ठीक है। और ये पिछली क्लास में आपको सिखाए थे हम ये कैसे लिखते हैं A, ठीक है, ये हो गया ये बड़ा गोला जो है A। देखिए ये सब हम लोग पिछले क्लास में सिखाए थे, N A स्मॉल स्ट्रेट लाइन छोटा सा N, ये हो गया वेन, ठीक है। तो आप जस्ट नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए देखते जाइए, आगे आगे आप और भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है सी, एस ई, हाँ इससे ही जो स्पेलिंग जो है सी आ रहा है। तो एस छोटा सा और ई,
ये सब जो है आपको हम लोगों ने पहले क्लास में जो सिखाए हैं, ठीक है, तो इसका हम दिखा दे रहे हैं। और बाकी जो ई ए ये सब जो है पिछली क्लास में आपको हम लोग सिखाए थे, तो वो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी जो है ये जो है को ये थर्ड डे थ्री का जो क्लास आप अच्छे से कर पाइएगा। तो ए हो गया सी, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके याद रखना होगा लेटर्स, क्योंकि लेटर्स के अलावा जो है आप कैसे लिखेंगे। तो अभी आ रहे हैं स्नो, एस एन ओ, देखिए डब्ल्यू की ज़रूरत नहीं है, ओ से ही काम चल जा रहा है, एस एन ओ, क्या हो रहा है स्पेलिंग स्नो, एस एन ओ स्नो, तो एस छोटा सा आ गया, एन कैसा आएगा, एस ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एन स्ट्रेट लाइन, छोटा सा स्ट्रेट लाइन, तो एन कहाँ, हाँ एन ओ, एस एन और ये ओ जी, स्नो हो गया स्नो। अब आ गया सेफ, सेफ लिखने के लिए आपको करना होगा एस ए एफ सेफ, ठीक है, तो एस का जो है जैसे छोटा सा कर्व कॉमा की तरफ एस, ठीक है, ए आपको सिखाए थे हम लोग, तो ए ऐसे बड़ा गोला होगा, हाँ, और एफ, एफ़ के लिए जो है मिडिल जो है नीचे की तरफ लाइन होगा थोड़ा कर्व में, हाँ ये हो गया एफ सेफ, ठीक है, ये हो गया आपका सेफ। तो ऐसे आपको लिखना है। तो अब आते हैं जो है नेल की तरह, तो एन ए एल, देखिए एन ए एल नेल, ठीक है, आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, और भी अच्छी तरीके से आपको हम सिखाएंगे बाद में, ठीक है, एन एस नेल, एन ए तो आपको पता ही होगा, ए ऐसे आएगा, ऐसे गोला होगा, ये बड़ा गोला ए, और एल जो है ऐसे कर्व होगा नीचे की तरफ, तो एल जो है ऐसा कर्व जो हो गया एल हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गया क्या नेल। अब आते हैं कीन, के डब्ल्यू एन कीन, तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे के ई एन कीन, तो के का जो होगा के ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो के ऐसे ऊपर की तरफ कर्व होगा छोटा सा, ई लिखेंगे, ई आपको पता ही है छोटा गोला, और एन जो है एक स्ट्रेट लाइन, छोटा स्ट्रेट लाइन जो है वो है एन, ए हो गया एन, छोटा सा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब है जो है नी, के एन ई, नहीं ये जो लिखने के टाइम पे होगा एन ई नी, देखिए स्पेलिंग स्पेलिंग जो है नी का ही आ रहा है के हिसाब से, तो नी के नी के लिए एन, ठीक है, एन ई छोटा गोला। देखिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट हैंड में जो है ना आपको गेस कर लेना होगा जब राइटिंग के टाइम पे, तो ऐसे के एन डबल ई नी सेंटेंस के हिसाब से आपको देख लेना होगा। तो अब देखिए रेड, आर ई डी, इसका पूरा ही होगा रेड, इसका होगा पूरा ही होगा रेड। अब जो है आर छोटा कर्व, ई छोटा गोला, और डी का जो है आज ही दिखाए थे ऐसे ऊपर की तरफ लंबा जो है, हाँ टी से थोड़ा बड़ा होगा, ये रेड हो गया, ठीक है, ये हो गया रेड, एक ए सी एच ई एक। अब एक का जो है क्या है ना ए के, ऐसे भी लिखेंगे तो हो रहा है एक, ठीक है, तो आपको गेस कर लेना है, आप धीरे धीरे सब समझ जाइएगा। अभी जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो अच्छे से देख लीजिए, तो ए का जो है एक बड़ा गोला, तो बड़ा गोला जो है ऐसे लिखेंगे बड़ा गोला, और फिर हो गया के, एक छोटा कर्व, तो एक छोटा सा जो है कर्व हो गया के, तो हो गया एक, ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है 9 वर्ड्स आपको हमने सिखाए हैं कि आपको अच्छी तरह से जो है ये वर्ड्स जो है आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे जो भी लेटर्स, 8 लेटर्स आपको दिखाया गया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो एस जैसे जो है ऊपर से नीचे की तरफ होगा ये, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ छोटा सा ये हो गया एस। फिर ओ जो है ऐसे करके, ऐसे आपको वो लिखना है, ठीक है, आधा गोला थोड़ा हिल जाएगा। अब एफ, एफ का जो है थोड़ा सा जो है इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और भी का जो है सबसे बड़ा है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब है एन, एन जो है, एन एक जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, छोटा सा जो है एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन जो है ये है एन, ये सामने से ऐसे जो है लिखना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन। और एम भी सेम है, एम इससे बड़ा है। फिर आता है एल, एल को आपको जो है लंबा है ऐसे करके खींच देना है। और इसका ऐसे जो है इसका एल ऐसे आएगा, ठीक है। फिर आता है के का जो है ऐसे जो है कर्व होगा, छोटा सा कर्व होगा, हाँ ऐसे इस साइड से उस साइड तक होगा। अब डी है, डी ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ ये हो गया डी, ये नीचे से ऊपर की तरफ ये डी जाएगा, जैसे टी है वैसे ही जाएगा, खाली ये बड़ा है। तो यही जो है 8 लेटर्स है। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जो है बहुत बढ़िया जो है आप लिख पाइएगा। तो और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एस एफ और भी, इन तीनों का डिफरेंस जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। एस एफ भी का, तो एस जो है सबसे छोटा है, ठीक है, एक ही तरीके का है, एफ थोड़ा बड़ा है उससे और भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको पहचानना है इन तीनों को। ये देखिए आपको नॉर्मली समझने के लिए, तो ये है जो एस है स्मॉल, एफ है मीडियम और वी जो है वो है लार्ज, ठीक है। ये तीन जो है यही है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने ये 9 वर्ड्स और 8 अल्फ़ाबेट्स आपको हम लोगों ने जो है सिखाए हैं, ठीक है। आपको बस ये करना है, आपको पर डे जो है, आपको जो है 1 घंटा करके पर डे जो है आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जो है आप बहुत अच्छी तरीके से जो है शॉर्ट हैंड जो है सीख पाइएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप देख लीजिए, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, तभी जो है आप स्टेनोग्राफर का जॉब जो है आराम से ले पाइएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।